ये देखिए फ्रेंड्स कितने यम्मी और बहुत ही टेस्टी, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिलीशियस पोटैटो स्नैक्स बनाए हैं मैंने। बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने के लिए, बहुत ही जल्दी बनते हैं। चलिए बनाते हैं पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको आलू के बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स की रेसिपी बता रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही डिलीशियस लगती है। इसके लिए मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको मैंने छील के और कट करके रख लिया है। ये मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, ये घर पे बनाया हुआ ब्लैक पेपर पाउडर है। आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे। 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है और ये मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर आपको आलू का मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 चम्मच चाहिए या 3 चम्मच लगेगा, क्योंकि हमको इसका डो बनाना है पोटैटो का। और ये मैंने 1 चम्मच हरा धनिया है, जो मैंने बारीक काट के रख लिया है, और नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे फोक का हेल्प से। और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेंगे जो हमने बताए हैं अभी। चिली पाउडर डाल देंगे, ब्लैक पेपर डाल देंगे, हरा धनिया है वो डाल देंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, और इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। 2 से 3 चम्मच हमको लगेगा, आलू का मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है ये। और इसको अच्छे से डो बना लेते हैं इसका। ये देखिए मेरा डो बन के तैयार हो गया है आलू का और कॉर्नफ्लोर का। इसमें मेरे को 3 से 3.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अब इसकी लोई काट लेंगे, 3 लोई निकाल लेंगे इसकी, और इसको रोल करेंगे। मैं बताती हूँ कैसा रोल करना है आपको। ये देखिए मैंने पर्ल पेट पे इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको ऐसा रोल कर लिया है, और अब इसको फोक से हल्का सा प्रेस कर देंगे, तो इसमें हमारे डिज़ाइन भी आ जाएंगे और हमारा स्नैक्स भी बनेगा। ये देखिए, और अब इसको कट कर लेते हैं। जितना फोक का डिज़ाइन आया है उतना ही इसको कट करेंगे, तो शेप हमारा सबका सेम रहेगा। देखिए इस तरीके से सारे कट करके रेडी रख लेंगे। ये देखिए हमारे स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं, अभी ये रेडी टू फ्राई है। देखिए कितना अच्छे से डिज़ाइन आया है और सब इक्वल साइज़ के बने हैं। अब एक बाउल ले लेंगे और उसमें एक अंडा तोड़ लेंगे। ये अंडा मैंने तोड़ दिया है और अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करेंगे। हल्का सा सॉल्ट और पेपर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको बीट करेंगे। अभी अंडे को अच्छे से बीट कर लेंगे। ये अंडा हमारा अच्छे से बीट हो गया है। और ये मैंने बारीक वाली सेवियां ली हैं, जिससे हम खीर बनाते हैं उसको एकदम बारीक चूर्ण कर लेंगे, ऐसा हाथ से बारीक कर लेंगे एकदम। मैंने पैन में ऑयल गरम होने रख दिया है। अभी एक पीस लेंगे और इसको अंडे में डिप करेंगे। और उसके बाद इसको जो बारीक सेविया है उसमें इसको रैप कर देंगे। आप इसकी जगह में ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए अभी ये रेडी टू फ्राई है। अभी इसको हम तेल में डाल देंगे और फ्राई करेंगे।
देखिए ऐसा हम सारे फ्राई कर लेंगे। देखिए एक तरफ से फ्राई हो गया है ये, अब इसको पलट लेंगे। सारे इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसको, और अब इसको निकाल लेंगे और बाकी के सारे इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा पोटैटो स्नैक्स बनके तैयार हो गया है, उसको अभी सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी पोटैटो स्नैक्स बनके तैयार हो गया हमारे, इसको हम टोमेटो सॉस के साथ में सर्व करेंगे। बहुत ही डिलीशियस बहुत ही यम्मी बने हैं, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपके पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी कैसे बनी है।